गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपको जो बड़ा प्रमुख विषय है संविधान से संबंधित है, 1935 के अधिनियम की कुछ विशेषताएं और उस अधिनियम का महत्व तथा उसकी आलोचना, तीन चरणों में हम 1935 के अधिनियम को पढ़ेंगे, जिसका हम जो पहला चरण उठाएंगे वो है भारतीय शासन अधिनियम क्या है और इसे क्यों जरूरत पड़ी इसको लागू करने की। इससे पहले हम जब संविधानों के अध्ययन की बात करते हैं तो भारत शासन अधिनियम में जो मैंने पूर्व में भी चर्चा करी थी, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, हमने 1919 का अधिनियम पूर्व में पढ़ चुके हैं और जब हम उससे आगे की चर्चा करेंगे तो हमेशा जब नए अधिनियमों की स्थापना होती है तो कुछ क्रमिक सुधारों की मांग की जाती है जनता की तरफ से और अन्य जो हमारे शासनकर्ता में बैठे हुए हमारे जो नेतागण हैं उनकी तरफ से। इसलिए नए जो अधिनियम की स्थापना पूर्व के जो अधिनियम है उनमें संशोधन के लिए उठाई जाती है, ये आप सभी को पता है। अब हम जब भारत शासन अधिनियम की चर्चा करेंगे तो इससे पहले तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931 और 1932। अब जो ये तीनों अधिनियम थे इसमें नए विचारों के आधार पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया था और श्वेत पत्र में जिस चीज़ की मांग की गई थी उसमें प्रांतों में उत्तरदायी शासन और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था का सुझाव दिया गया था। ये श्वेत पत्र यानी वाइट पेपर भी कहलाया जाता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि कोई भी जो नया अधिनियम आता है उसकी स्थापना क्यों की जाती है। तो शुरू से ही मैंने आपको कहा आरंभ से ही कि 1919 और 1935 का जो अधिनियम है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण होने का सबसे बड़ा एक कारण ये भी रहा है कि ये जो भारतीय शासन अधिनियम है ये ब्रिटिश संसद द्वारा अंतिम अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए इसकी तीन बड़ी मुख्य विशेषताएं हैं। पहली है 1935 का अधिनियम बड़ा लंबा और जटिल था, इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी और संविधानिक सुधारों की श्रृंखला में ब्रिटिश शासन का अंतिम अधिनियम था। इसके बाद हमारे देश को आज़ादी मिल गई थी और आज़ादी के बाद हमारे स्वयं का जो संविधान का निर्माण हुआ था वो 1950 में किया गया। अब हम जब भारतीय शासन अधिनियम की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहले सबसे बड़ी जो विशेषता आती है वो आती है भारतीय अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अब इस अखिल भारतीय जो भारतीय संघ की स्थापना है इसमें निर्णय लिया गया कि केंद्र में ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ की स्थापना की जाएगी। मुख्य रूप से इसमें जो चीज़ उभर कर आती है वो है भारतीय प्रांत, ब्रिटिश प्रांत और दूसरा है ब्रिटिश प्रांतों में 11 जो ब्रिटिश प्रांतों को शामिल करके 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित था। अधिनियम के अनुसार प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था परंतु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। अब संघ की स्थापना के पूर्व शर्त यह रखी गई कि कम से कम समस्त देशी रियासतों की कुल जनसंख्या की आधी जनसंख्या वाली देशी रियासतें संघ में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट करती। इस शर्त के पूरा हो जाने पर सम्राट द्वारा संघ की स्थापना की घोषणा की जाती, परंतु देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और इस प्रकार प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी जो घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। अब हम जब उसकी दूसरी विशेषता की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे बड़ी विशेषता है वो है शक्तियों का विभाजन। अब इस शक्ति के जो विभाजन है इसमें तीन सूचियों का उल्लेख किया जाता है। इसमें पहली थी केंद्र सूची जिसमें 59 विषय थे, दूसरी सूची थी प्रांतीय और तीसरी थी संवर्तीय।
जो पहली सूची थी उनमें जो मुख्य विषय थे वो थे जल, स्थल, वायु, सेना, विदेशिक, तार, मुद्रा, डाक, टंकण, संघीय लोक सेवाएं, बैंक, बीमा, संचार आदि। प्रांतीय सूची में 54 विषय थे जिसमें शांति, न्याय, न्यायालय, प्रांतीय लोक सेवाएं, स्थानीय स्वशासन, अस्पताल, जन स्वास्थ्य, नहरें, कृषि, जंगल, शिक्षा और सड़क आदि मुख्य थी। समवर्ती सूची में 36 विषय थे जिसमें दीवानी, फौजदारी, विवाह, तलाक, ट्रस्ट, कारखाने, उत्तराधिकार तथा श्रम कल्याण आदि मुख्य थे। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के साथ जो तीसरी इसकी बहुत मुख्य विशेषता होती है वो है द्वैत शासन का अंत करना। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में जिस द्वैत शासन का अंत किया गया उसी द्वैत शासन की स्थापना केंद्र में कर दी गई। अब इसमें संघीय विषय जैसे सुरक्षा, विदेशिक संबंध, धार्मिक और कबायली क्षेत्रों की व्यवस्था की गई और गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया ताकि वह अपने विवेक के अनुसार अपनी समुचित व्यवस्था कर सके। इसके बाद जो महत्वपूर्ण आता है वो है प्रांतीय स्वायत्तता। 1935 को जो अधिनियम था उसमें एकमात्र संतोषजनक व्यवस्था प्रांतीय स्वशासन की स्थापना थी। इस अधिनियम में जो 1919 के प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर उन्हें स्वतंत्र और स्वशासी संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। संपूर्ण जो प्रांतीय शासन लोकप्रिय मंत्रियों के नियंत्रण में कर दिया गया और गवर्नर से आशा की गई उसके द्वारा प्रांतियों की सलाह के आधार पर या मंत्रियों की सलाह के आधार पर प्रशासन का संचालन किया जाएगा। 1935 का जो अधिनियम है प्रांतीय स्वायत्तता की दिशा में एक निश्चित सुधार था लेकिन गवर्नरों के हाथ में विशेष उत्तरदायी के रूप में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां बनी रहीं। नेक्स्ट जब हम आते हैं तो उसमें संघीय न्यायालय। अब ये संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। अब संघीय न्यायालय क्या है, इसमें मुख्य न्यायाधीश एक और अन्य दो न्यायाधीश थे और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो था संविधान की व्याख्या करना। ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है संघीय न्यायालय का और इसके आधार पर न्यायालय को मौलिक अपील संबंधी अधिकार दिए गए और इस बात का ध्यान रखा गया कि प्रांतीय और संघीय सरकारें एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण ना करें। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। आज हमारे यहाँ भी जो भारतीय संसद है उसकी सर्वोच्चता है परंतु संविधान को व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। तो इस अधिनियम के द्वारा भारतीय शासन के संबंध में ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्था को नहीं दिया गया और इस संबंध में शक्ति ब्रिटिश संसद के पास ही बनी रही। प्रांतीय तथा केंद्रीय व्यवस्थापिकाएं कुछ विशेष सीमाओं में रहते हुए अधिनियम में संशोधन की सिफारिश कर सकती थी लेकिन अंतिम सत्ता किसके पास थी, ब्रिटिश संसद के पास। फिर इसमें जो नेक्स्ट 1935 के अधिनियम में किया गया वो था भारत परिषद का अंत करना। इसलिए किया गया क्योंकि भारत परिषद के भारत विरोधी दृष्टिकोण के कारण इस परिषद की मांग की गई कि इसका अंत किया जाए। तो 1935 के अधिनियम द्वारा इस भारत परिषद का अंत भी कर दिया गया। अब जो नेक्स्ट विशेषता है वो सबसे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। इसमें भारतीय, ईसाइयों, यूरोपियन और हरिजन के लिए इस पद्धति का विस्तार किया गया और संघीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में मुसलमानों को एक तिहाई स्थान प्रदान किया गया। बर्मा, बरार और अदान, इस अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके 1 अप्रैल 1937 को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। बरार के ऊपर निज़ाम हैदराबाद की नामात्र की सत्ता स्वीकार कर ली गई परंतु उसकी शासन की दृष्टि से मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। ये कुछ विशेषताएं जो संक्षिप्त रूप से हमने 1935 के अधिनियम में पढ़ी और आगे जब हम इसके दूसरा चरण में प्रवेश करेंगे तो इस अधिनियम का महत्व और उसकी आलोचना और आज के संविधान में इसको किस तरह से हमारे यहाँ प्रवेश दिया गया है हम इसकी आगे चर्चा करेंगे।